नर्मदा तटीय क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन जोरों से चल रहा है। इस अवैध कारोबार के कारण नर्मदा तट खोखले हो रहे हैं। जिम्मेदारों की नींद नहीं टूट रही। लगातार हो रहे बालू रेत के खनन से नर्मदा तटों पर बड़ी बड़ी खाइयां बन चुकी है। निमाड़ क्षेत्र की नर्मदा घाटी रेत के अकूत भंडार के कारण जानी जाती है। बड़ी कार्रवाई नहीं होने से कारोबारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। नर्मदा के उत्तरी तट जलकोटी व जलकोटा मंडलेश्वर के समीप जलूद मोगावा सुलगांव कतरगांव के नजदीक बहगांव पिपलिया के नजदीक पिटामली जैसे स्थानों पर रेत खनन जारी है। यह सभी रेत खदानें एसडीएम राजस्व के कार्यक्षेत्र अंतर्गत आती है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से इक्का दुक्का कार्रवाई होती है। गांव जलकोटी में एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। खरगोन जिले का ठेका आर के गुप्ता की कंपनी को मिला है। आर के गुप्ता की इस कंपनी को शासन के नियम अनुसार 176 नंबर के रकबा खदान आवंटित हुई है, मगर यहां के स्थानीय रेत के काम करने वाले जलकोटी के ग्रामीणों और ठेकेदार के लोगों के बीच अक्सर खींचातानी होती रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से ठेका हुआ है तब से ठेकेदार के लोग हम पर दादागिरी कर अन्य जगह की रॉयल्टी रसीद देकर वसूली कर रहे हैं। ग्रामीण ओम प्रकाश आंकड़े अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि जलकोटी की निवासी बरसों से रेत का काम करते आ रहे हैं। जब से आर के गुप्ता कंपनी का ठेका हुआ है तब से परेशानियां काफी बढ़ गई है। शासन द्वारा आर के गुप्ता की कंपनी को 176 नंबर रकबा की खदान दी गई है। जलकोटी के लोगों को किसी और अन्य गांव की रॉयल्टी लेकर हमें रेत देते हैं। हमारा पूरा गांव रेत का काम पर निर्भर है। ठेकेदार के लोग हमसे अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। हमारी मांग यह है कि ठेकेदार को जो खदान आवंटित हुई है उसका सीमांकन करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। वहां से जो भी ग्रामीण रेत भरेगा हम उसे रॉयल्टी देने को तैयार हैं। इधर ठेकेदार के लोग का ही अलग तर्क है। ठेकेदार के लोगों का कहना है कि आर के गुप्ता की कंपनी का ठेका पूरे जिले का हुआ है। जो भी अवैध तरीके से रेत लेकर जाएगा हमें उसे रोकने का पूरा अधिकार है। ठेका अभी हुआ है, कागजी कार्रवाई में वक्त लगेगा। यह ग्रामीण लोग अवैध तरीके से चला रहे हैं, हम इन्हें रोक सकते हैं। खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये हम क्या है, जलकोटी के निवासी हैं सभी लोग ग्रामीण, जो हमारा यहाँ पर रेती का थोड़ा सा कामकाज है। तो यहाँ पर जब से आर के गुप्ता कंपनी आई है तब से हमें पूरी तरह परेशान कर दिया। हम रेत लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 1000 से 1500 रुपये लेते हैं और एक गुलाबी पर्ची देते हैं। सरकारी अधिकारी रोकते हैं। जब हम इनसे राल्टी मांगते हैं तो राल्टी के उचित दाम लेते और राल्टी जलकोटी की ना देते हुए कोई बसुंडा ग्राम की राल्टी देते हैं, बसुंडा गांव की, जो कि ये तो सरासर गलत है, अन्याय है। अब इसके खिलाफ यदि हम आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग दादागिरी करते हैं और मारपीट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो ये क्या करते हैं कि बंदूक निकालने की बात करते हैं। तो जिससे हम इतने परेशान हो चुके हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारा पूरी तरह कामकाज ठप पड़ा हुआ है। भूखमरी फैल रही है हमारे गांव में, की जा रही है रॉयल्टी हमारे पास। जब ये रॉयल्टी जो है ना, रॉयल्टी यहाँ चली नहीं अभी हमारी। हमारा रोकने का है पूरा हक, खरगोन जिले का, हमारा पूरा ठेका हो गया आर के गुप्ता का, तो रोकने का हमको पूरा खरगोन जिले में। मगर भैया जिस तरीके से हक है, खास हल्का नंबर उसमें अलाट होता है, है ना? उसमें कितने घन मीटर माल है, उसमें फेंसिंग का काम है, ये लोगों का यही आरोप है कि नहीं? नहीं नहीं, सही है, आपकी बात सही है। वो टाइम लगेगा, कागज कार्रवाई में टाइम लगता है। ये अवैध चला रहे हैं, इनके हम रोक सकते हैं इनको अवैध, क्योंकि हमारा तो हो गया रकबा, हमारे का टेंडर हो गया पूरा। आपका कौन से रकबे पे टेंडर हुआ? 176। कौन से हल्के में आता है वो? ये जलकोटी की वसुंधा की रसीद वगैरह बताई जा रही है कि वसुंधा से कट रही है रॉयल्टी? नहीं कट रही। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।